हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 27। तो सुबह सुबह की धूप आ गई है और अब तो फिर भी थोड़ा सा गर्म है जहाँ धूप पड़ रही है, वरना पूरे शीशे पे ओंसी ओंस थी। इतना ज़्यादा ठंडा था और कल रात को तो बहुत ज़्यादा ठंडा था और हवा भी चल रही है, शायद मसूरी में बर्फ़ पड़ गई है। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी में चार्जर पड़ा है, हम नीचे जाते हैं। ये देखो आप, पूरे शीशे भी दी, ये गाड़ी पूरी गीली है। ये देखो गीली है नीचे, गाड़ी पूरी, सारी गाड़ी ऐसी गीली है। चार्जर लेना है हमें। शायद चार्जर मेरे बैग में ही है, यूएसबी केबल ही थी यहाँ पे। बाहर का भी एक बार व्यू दिखा देता हूँ आपको कैसा है। ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे खोलने की, बार बार गेट। ओह क्या धूप है, धूप बहुत मस्त लग रही है यहाँ पे। घर बड़े लोगों के बड़े बड़े हैं। ओह घर के पीछे जिम भी है, हर जगह हमें जिम मिल जाता है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं जिम हमेशा वहाँ होता है। ये लीजिए जिम, देखो आप। ये सारा टी बगान है और इसके पूरा ये क्रॉस करके इसके पीछे आपको वो मिल जाएगा IMA। IMA यहाँ पे भी ट्रेनिंग के लिए काफ़ी जो ट्रेनी सोल्जर्स हैं वो आते रहते हैं। जितने भी सारी रैंक होती हैं, हाईएस्ट रैंक होती है, यहीं से निकलती है, मुझे ऐसा पता है। ज़्यादा को पता नहीं इस बारे में, पर जो भी है। और ये शायद मेन, ये शायद गोरखपुर के लिए जाती है रोड, और बहुत सारी ये मेन रोड ही है, मतलब ये सीधा आपके ISBT से क्रॉस होती हुई जाती है। अगर आप अंदर की साइड से आएंगे तो ये ISBT की तरफ से आ रही है वाली रोड। तो कल जो है हम वहीं से आए थे ISBT की तरफ से, तो काफ़ी भीड़ थी। ये सारा टी बगान है पीछे की तरफ सारा, ये पूरा देखते हैं। शाम को, आज शाम को फंक्शन है तो देखेंगे, आपको सारा मैं वो भी दिखा दूंगा कैसे कैसे हैं। अभी सुबह सुबह बस अभी मैं बस उठा ही था, आज उठने में थोड़ी सी लेट हो गई, वैसे नींद तो मेरी सुबह ही खुल गई थी। जो जिस दिन छुट्टी होती है नींद, उस दिन ज़्यादा जल्दी खुल जाती है, जिस दिन काम होता है उस दिन खुलती नहीं है। तो इस वजह से तो वो थोड़ा सा कभी इरिटेटिंग लगता है कि भाई छुट्टी है आज तो आराम से सो, पर उसे ज़बरदस्ती सो तो फिर नींद आती नहीं है, ना मज़ा आता है सोने में। तो फिर देखते हैं, अभी अभी तो हम खाना वाना खाएंगे, खाना वाना कुछ नहीं खाया। खाना वाना खा के फिर बात करते हैं आपसे। कुछ जबरदस्ती क्या बोल रहे हैं? ये टी बगान हुआ करता था पहले का, जंगल हो गया अभी? जंगल ही तो है अब यार। तो ये तो उसकी वजह से बड़ी होगी, ये क्या कहते हैं, लॉकडाउन? नहीं नहीं लॉकडाउन नहीं। टी बगान इसमें टी का है, था ना पहले, अब नहीं है, छोड़ दिया। अच्छा जंगल जंगल हो गया तो ये जंगल। अच्छा काटा भी है ये कह रहे, मेरे ख्याल से हुई करता था पहाड़ों पे और नजदीक से दिखाया था, तो इसको शायद वो ही हो सकता है। ये जब आदमी को प्यास लगती है इसको खोदता है, इसके नीचे इतनी बड़ी जड़। हाँ वही है, ये वही है, है ना, तो उसको पानी, उसको प्यास बुझाते हैं इससे। हाँ ये मैंने देखा था, ये वो ये, ये सब मैंने उसमें भी देखा था, ये मैन वर्सेस वाइल्ड में। ये प्योर है, ये जो है करी पत्ता जो खुशबूदार है, तगड़ी है। नहीं करी पत्ता है, जंगली करी पत्ता। देखिए ये कितना सारा लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। हाँ बहुत है, ये देखो ना, ये
ये रहा नदी का फोटो ले, क्या सुंदर लगेगा ऐसे करके। ओ गिर गया था कभी इसमें कांटे में, ये सारे चिक्के फिसलन हो गए भी सब। हाँ ये ओमोस है, इतना खतरनाक पूरा गीला हो रखा है, लग रहा है पानी गिराया किसी ने। ये देखो कितने सारे हैं ये। हाँ इसकी नदी का फोटो ले, बड़ा सुंदर लगेगा। ये गाय है, ये उसमें दिखेगा, ये हमारे उत्तराखंड की गाय है। ये लोन पे ली गई है, लोन पे ली है। ओए हाँ लोन पे ली गई है, उसमें कान में टैग है, फास्ट टैग लगा हुआ है वो। फास्ट टैग लगा हुआ है यहाँ पे आते हुए, और फास्ट टैग में भी हाँ। तो जो भी उत्तराखंड जा रहा है या कोई कहीं भी जा रहा है, जहाँ पे आप अब अगर नेशनल हाईवे पे जा रहा है ना, नेशनल हाँ नेशनल हाईवे पे जा रहा है, तो उसमें आपने क्या करना है, फास्ट टैग लगाना है। कईयों को पता नहीं, जैसे मैं था, हम लोगों को पता नहीं था कि फास्ट टैग का क्या चक्कर है। हम तो आज तक पैसे दे के ही आते रहे, मतलब पैसे देते हैं जो ना वो नेशनल हाईवे पे पैसे दे दिए, आपके लिए खुल गया चले गए आप। पर अब क्या हो गया कि पैसे अगर आप पे कर रहे हैं तो नॉर्मल अमाउंट से डबल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं है। तो इसीलिए फास्ट टैग लगा लें। तो हमें रास्ते में ही उसी क्या, जब हमने 90 रुपये का टोल था ना बाबा, 180 रुपये दिए हमने, क्योंकि हमारे पास फास्ट टैग तो था नहीं। फिर जैसे टोल क्रॉस करते ही हमारे पास फास्ट टैग आ गया। तो फास्ट टैग हमने मिल गया फास्ट टैग वाला। तो फास्ट टैग कितने का था, 200 रुपये का फास्ट टैग था। गाड़ी के नाम पर रजिस्टर, जिसके नाम पर गाड़ी है उसकी, उसका नाम पर नहीं, किसी का भी आधार कार्ड हो सकता है। नहीं नहीं वैसे तो हमारा अगर हाँ जिसके नाम की गाड़ी है उसका आधार कार्ड हो तो ठीक है, पर वैसे किसी के नाम पे भी आधार कार्ड आप चल जाएगा तो वैसे वो भी चल जाएगा। उसी 200 रुपये में 100 रुपये हमको बैलेंस मिला। 200 रुपये का फास्टैग है, उसमें 100 रुपये का बैलेंस है, और एक माइनस 150 रुपये जाता है, नहीं माइनस पूरा चला जाता है। नहीं अगर 1 रुपया भी पड़ा है आपके उसमें तो आप 150 रुपये तक आप उसमें, हाँ अगर 1 रुपये भी पड़ा है आपके उसमें तो 150 रुपये माइनस में भी ले आ सकते हो, वो जो मेट्रो वाला चक्कर है। ठीक है तो ऐसा है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और ये देखो इस पे चढ़ गई है बेल। ये है टी बगान शायद है, ऐसा अरे ऐसा दिखता था, अब वो थोड़ा सा जंगली टाइप का हो गया है, बट ये पहले ऐसा दिखता था। हमें छोटे 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 ऐसे थे, छोटे छोटे ना ये बीच में ये क्या चीज़ है, ये टी ये ऐसे उग गए पर ऐसे ही दिखता था पहले। पहले दिखता भी ऐसा ही था, जैसे गाय वाय है ना, ये ऐसा ही दिखता है। ये भी हो सकता है चाय हो, हमें पता नहीं है, लगता हो ऐसी ही है, पर ये ऐसा दिखता था पहले। मतलब हर जगह में छोटे 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 ये सब ऐसे। तो भैंस देख रही है हमें, भैंस पहली बार दिखी है वैसे बाबा। भैंस तो मतलब कमी होती है यहाँ पे, पहाड़ी एरिया में भैंस आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। ये प्लेन में आ गया ना थोड़ा। अच्छा ये थोड़ा प्लेन एरिया है, इस वजह से आपको थोड़ी सी भैंस भी दिख रही है। और भाई गोरी भैंस भी है, गोरी भैंस भी दिखाऊंगा मैं आपको। मैं पिंक भैंस नहीं है, गोरी भैंस है। तो गुलाबी भैंस तो एक मूवी में थी। तो यहाँ पे भैंस कम ही देखने के लिए मिलती है, मतलब हमारे पूरे ऊपर हाँ फेयर एंड लवली का ऐड कर रही है। भैंसे मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये प्लेन एरिया है थोड़ा, इस वजह से शायद दिख रहा हूँ, पर पहाड़ों में तो कभी देखी नहीं। और पहाड़ों की गाय दिल्ली के हिसाब से छोटी भी है, छोटी होती है, इतनी इतनी सी गाय होती है बिल्कुल, उनके हिसाब से छोटी भी है। ये देखो भैंस, अब भैंस भी उतनी बड़ी नहीं है, बालों वाली भैंस है। हमारे यहाँ तो चिकनी भैंस होती है, चिकनी भैंस होती है, ये तो बालों वाली है। ठंड है ना, हाँ हो सकता है ठंड की वजह से बाल हैं सबके इतने ज़्यादा। ये देखो पिंक भैंस, ये रही, ये थोड़ी ये फॉरेन, ये ब्रिटिश भैंस है, यूएस से आई है। क्या पता फॉरेनर हो बाबा, फॉरेनर हो। ओ देखो एक और ही, वो तो गाय है, पता नहीं वो गाय है क्या, उसका मुंह ही सफेद, मुंह ही सफेद है, बाकी शरीर ब्राउन है। वो गाय बैल है, वो बैल नहीं है। हाँ, वो नहीं वो वाला पीछे, वही तो वो बैल है। तो अच्छा वो बैल है, बैल है। जगह बड़ी है, कितनी हद बड़ी जगह है, तो हद बड़ी, ये तो बहुत ही बड़ी जगह है। और ये किसी एक ही बंदे की है, वो बताएंगे नहीं हम किस बंदे की है। वो ये वर्ल्ड रिमोट की जगह है, हम उसका नाम नहीं ले सकते। वो चर्च है आपका, हमने रास्ता वो कर दिया, रास्ते पे चलते हैं। वो आ जाओ, वो देख रही है मैं, देखो वो दिख गाय, वो गाय है।
हाँ मैं बोलता रहा हूँ कहाँ है। रुक जा रुक जा, वो बैलों का जोड़ा होगा, देख उसके नाम से बंधा हुआ ना, वो बैलों का जोड़ा होगा, वो जोड़ा होगा बैलों का। अच्छा वो कितना जबरदस्त है मुंह देखना, रीम स्टीरियो लग रहा है मुंह पे ऐसे सफेद जैसा, ऐसे मास्क पहना है। तो ये जहाँ आदमी चलता है ना वहाँ वहाँ ऐसे आज हाथ दब जाती है, रास्ता बन जाता है। अगर कभी हम जंगल में जाते हैं, एक दफ़े गए थे ना हम, तो जो जिस दिन मैं डर गया था तुम छोटे थे गाँव में है ना, तो ये सब ये ख़त्म हो जाता है, घास उग जाती है, ख़त्म हो जाता है ये रास्ता। अगर ऐसा तुम्हें दिख रहा है रास्ता तो समझो यहाँ आदमी आता जाता है, ये देख रहे हो ये पगडंडी, ये पगडंडी यहाँ। अगर ये इस ये ख़त्म हो गया मतलब ये इस पर उबड़ खाबड़ हो गया और ये घास उग गई इस पर, समझो ये रास्ता लोगों ने छोड़ दिया अब किसी खतरे की वजह से। तो वहाँ पे जब हम गांव में जा रहे थे, बहुत सालों पुराना तेरी मम्मी का रास्ता था वो, तो वहाँ से ले गई वहाँ पे, फिर देखा रास्ता मैंने, ये तो यार कोई यूज़ नहीं कर रहा, घास वास उग गई। तो वहाँ पे पता चला, वहाँ पे आगे जाकर देखा हड्डियाँ हड्डियाँ पड़ी हुई थी, अब पंजे के निशान शेर के। अब मैं बहुत डर गया, मैंने कहा यार यहाँ पे तो अभी रास्ता बंद हो गया, शेर आते हैं यहाँ पे, अब क्या होगा। अब तेरी मम्मी भी डर गई पर कुछ बोली नहीं। हम फिर मैं चुपचाप चुपचाप निकल ही गया वहाँ से, क्योंकि पंजे के निशान भी दिख रहे थे, हड्डियाँ दिख रही थी, इसका मतलब बाघ लग गया था वहाँ, रास्ता छोड़ दिया था लोगों ने। हाँ छोड़ दिया, बंद कर दिया। हाँ ये आईएमई की बाउंड्री है लेफ्ट में, और ये सिक्योरिटी टावर पे ना कोई वो खड़े हुए, कोई ऑफिसर खड़े हुए गन लेके खड़े हुए। उधर कैमरा नहीं कर सकता मैं, कैमरा भी बंद करना पड़ेगा, वरना मेरे को एक बार मना भी कर दिया था। मैं स्कूटी में आ रहा था, अर्पना मेरे को लेने आई हुई थी IAVT पे, कई पुरानी बात है। तो ये सारे ऑफिसर क्या थे, वो कर रहे थे, मार्च कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे मार्चिंग की रोड पे। तो मैं वीडियो बनाने लग गया, उन्होंने मेरे को बंद कर दिया कि बंद कर दो इसको, बंद कर दो, उन्होंने मेरा फ़ोन ही बंद करवा दिया। अब बंद कर दो थोड़ी, वरना कई लोग की। हाँ यहाँ पे ये चिड़िया के घर है, जिसको दर्जन चिड़िया बोलते ना, दर्जन दर्जन क्यों, बहुत सारे हैं उधर भी है। दर्जन मतलब दर्जन की क्या होती है, दर्जी का काम, दर्जी बुनाई का। ओह अच्छा, दर्जन मतलब दर्जी का बुनाई का काम। ओह अच्छा अच्छा, दर्जन चिड़िया बोलते हैं इसको, क्योंकि ये दर्जी की तरह बुनाई करती है। हाँ। अच्छा बनाओ। अच्छा तो आप कब से हैं यहाँ पे, ये जो है ना वीडियो बनाने का। अच्छा अच्छा, ये इसके भी नहीं बना सकते। नहीं अच्छा।